मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबके सामने फिर मैं कमेंट्स लेके उपस्थित हो गई हूँ। मैं हर्षा आप सबका भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो चलिए, इतने भर भर के रोज़ कमेंट्स आ रहे हैं और कल तो कुछ ज़्यादा ही और भी कमेंट्स आए हैं, तो मैं झटपट कमेंट्स पढ़ना चालू करती हूँ। हाँ, एक तो नाम मेरे कल के वीडियो, परसों के वीडियो के रह गए थे। डॉक्टर साहब का एक मैसेज मैं नहीं पढ़ पाई थी, डॉक्टर ओस्मान अली जी, सो सॉरी, मैं आपका वो मैसेज नहीं पढ़ पाई थी। मैं बाद में देखी जब मुझे अपने YT स्टूडियो में दिखाई दिया मैसेज, क्योंकि मेरे चैनल में नहीं दिखाई दे रहा था। तो एनीवेज, मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, अगली बार देखूँगी कि मुझसे गलती ना हो। तो मैं देखती हूँ और किसका किसका मैसेज अब आया है कल के वीडियो के लिए। तो चलिए, मैं पढ़ना चालू करती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ दीपाली जी से। दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। आपका मैसेज है, सिस्टर समर की माँ सरासर झूठ बोल रही है। राधिका से शादी के लिए राधिका के घर गई थी और कहा था कि गुनगुन का समर से कोई संबंध नहीं है और डिवोर्स हो जाएगा। तब समर और राधिका की शादी हुई, लेकिन गुनगुन बीच बीच में आती रही, जबकि गुनगुन को उस घर में एंट्री नहीं देना चाहिए था। घर का सारा काम गुनगुन की मौजूदगी में राधिका करती थी। समर और समर की माँ गुनगुन को मालूम था कि ये बच्चा किसका है। इन लोगों ने राधिका के फैमिली, ध्रुव की फैमिली से झूठ बोला। इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात आपने सही बोली है, ध्रुव की फैमिली को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए राधिका के फैमिली के साथ साथ, क्योंकि ध्रुव का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है शुरू से लेकर। ध्रुव का बस यही एक गलती हो गई कि उसको गुनगुन पसंद आ गई और वो अपने मम्मी पापा से ज़बरदस्ती करने लगा कि मेरी शादी करूँगा तो मैं गुनगुन से ही करूँगा, मेरी शादी गुनगुन से ही करवाऊँ। तो इस बात में बेचारा फंस गया। तो ये बात आपकी सही है कि इंसाफ ध्रुव को भी मिलना चाहिए। थैंक यू दीपाली जी। मैं नाम लेना चाहूँगी सुकुमार जी का। नमस्ते। आपने लिखा है, रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, यू आर वेरी राइट, इट्स शेम फॉर राधिका जी। येस, दिस अंकित छोटू आर नॉट टू बी ट्रस्टेड एवर। वी विल सपोर्ट मिस्टर चोपड़ा एंड फैमिली। मी टू सपोर्टिंग मिस्टर चोपड़ा एंड फैमिली। सो सच में आपने सही बोला है कि अंकित और छोटू दोनों ही भरोसे वाले लोग नहीं हैं। और अंकित का तो मैं नहीं जानती थी कि ये गुनगुन को बहन मानने से इनकार कर दिया था। एकाएक अचानक कल क्या हो गया कि इसका भाईचारा इतना जाग उठा कि ये आ गया और आके समर की मम्मी को बात सुनाने लगा कि आप जेल क्यों नहीं चली गई, मेरी बहन जेल कैसे चली गई। तो ये बात तो उसकी मैंने सही मैं पकड़ी कि समर की मम्मी को तो पहले जेल जाना चाहिए समर के साथ साथ। गुनगुन गई हो तो गई है बाद में, मगर समर की मम्मी को तो पहले जाना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ की मेन फसाद समर की मम्मी ही है। थैंक यू सुकुमार जी, आप मुझे मैसेज किए, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी लेना गैसवर जी का। नमस्ते। आपने लिखा है, येस यू एब्सोल्युटली राइट, अंकित इज चेंजिंग हिज माइंड। फर्स्ट ही वॉज अगेंस्ट गुनगुन समर एंड हिज मॉम, नाउ ही इज अगेंस्ट राधिका एंड हर फैमिली। डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन, लुक्स लाइक द होल गुनगुन फैमिली इज मैड। एग्जैक्टली, दे आर टोटली मैड पीपल। Radhika never touched Samar mom or anyone in the house. It was Samar mom who got Radhika married to Samar because her son was in deep depression. Because of Gungun, I hope Radhika show all the videos from December 22, 2022 to the police. I hope so. Agar wo dikhati hai to bahut acha hota hai, agar nahi then nobody can do anything. So Leena ji, thank you so much for appreciating me and supporting me. फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी का। नमस्ते शशि बहन। आपने लिखा है, बहन जी आप बिल्कुल सच कह रही हैं, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मारियाना CH मैरिक जी का। नमस्ते। आपने लिखा है, गुनगुन अच्छा है, जब डिलीवरी हो गया समर की मम्मी नौकरानी हो जाएगी। ये तो सही है, ये तो होना ही है, इनकी मम्मी को नौकरानी बनना ही चाहिए, क्योंकि इनकी मम्मी कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही है ना। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है समर की मम्मी का, अभी देखिए धीरे धीरे होता है क्या। फिर मैं नाम लूँगी मंजू त्रिवेदी जी का। मंजू जी नमस्ते। आपने लिखा है, वाह क्या बात है, जियो मेरी बहना। थैंक यू मेरी बहना, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुनीला नाथ जी का। सुनीला जी, आपने लिखा है, अंकित इज ऑल राउंडर बहन जी। सही बहन, ये आदमी, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा गुनगुन का पूरा फैमिली है गॉन केस। फिर मैं नाम लूँगी राजेश कुमार जी का। राजेश जी नमस्ते। आपने लिखा, एकदम सही बोला दीदी, थैंक यू सो मच राजेश जी। फिर मैं नाम लूँगी गाय उपता जी का। इन्होंने लिखा है, एकदम सही बोला दीदी, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी कविता आंटी का। कविता चड्ढा जी ने लिखा है, बेटा आपने बिल्कुल सही बोला है, समर की माँ कितना झूठ बोल सकती है, शेमलेस। थैंक यू आंटी, ये मुझे पता है, उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा शेमलेस है और इतना झूठ वो बोल सकती है ना, जितना झूठ तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उनसे।
फिर मैं नाम लेना चाहूँगी तरनजीत सिंह जी का। तरनजीत जी नमस्ते, कल मैं आपका मैसेज थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मुझे कहीं ना थोड़ा समझ में नहीं आता, पढ़ने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। आपने लिखा है आप सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी रोशनी सेवा सीओ शंकर जी का, रोशनी सीओ शंकर जी का, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच रोशनी जी। फिर मैं नाम लूँगी मीना माधो जी का, लव फ्रॉम फ्राइज, हेलो फ्रॉम हॉलैंड, लव फ्रॉम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मीना जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यम मेमीज का, यम मेमीज ने लिखा एकदम सही बोला, थैंक्स, थैंक यू। फिर मैं नाम लूँगी शहीद महमूद जी का, शहीद जी ने शाहिद महमूद जी आपने लिखा है सिस, आपने सही बोला, थैंक यू शाहिद जी। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी सुनंदा कोठारी जी का, नमस्ते सुनंदा जी, आपने लिखा है अंकित दो मुंह वाला सांप है, सही बोले आप, अंकित दो मुंह वाला सांप ही है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी यूज़र SB4CM8SB5N, आपने लिखा है सही बोला आपने, थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी शशि जी का, शशि जी नमस्ते, आपने लिखा है अंकित अपनी बहन की शादी कर ना सका, अब गुनगुन को बचाने के लिए 5 लाख दे रहा है। अरे सब बोल वचन है, 5 लाख, ये जो राधिका को किडनैप करके वहाँ से पैसा ऐंठने की कोशिश करने में लगा हुआ था वो कहाँ से क्या 5 लाख देगा, ये सब ऐसे ही मुँह बोली उसकी जुबान है, जो जुबान में आए उतना अमाउंट बोल दो, थैंक यू शशि जी। फिर मैं नाम लूँगी शिवानी सोनी जी का, शिवानी जी ने लिखा है अब तो ये सब इनका वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि ये सब एक नाटक कर रहे हैं पब्लिक के सामने दिखाने को, ब्लॉग बनाने के लिए, ये लोग ब्लॉग में क्या कुछ और दिखाते हैं, पीठ पीछे वापस सभी एक हो जाते हैं। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू फॉर द कमेंट। फिर मैं नाम ले जाऊँगी रत्ना बासु जी का, रत्ना आंटी नमस्ते, आपने लिखा है अंकित ने पुलिस से पूछा कहाँ लिखा है एक लड़के को दो दो बीवी रह नहीं सकती, इसकी एक ही रास्ता अभी उसको असाइलम भेजना चाहिए। सही में एकदम पूरा मेंटल केस है, पूरा मेंटल केस। थैंक यू रत्ना आंटी, थैंक यू फॉर द कमेंट। फिर और एक कमेंट आपने दिया है, अंकित को उसके बाप ने 2 जोड़ी कपड़े दिए थे और एक मेडिसिन दिए थे, देखो बेटी जब तुम अंकित को देखोगी वही ड्रेस पहना हुआ, और रही मेडिसिन की बात, हर रोज़ इसे खाने से अंकित का अलग अलग रूप, अलग अलग बातें निकल आएगा, देखो वही हो रहा है, अंकित सचमुच अबनॉर्मल है, पुलिस के डंडे इसके ऊपर लगने चाहिए क्योंकि पुलिस को रिश्वत देना चाहता है। सही आप बोली, मैं इसके कॉस्ट्यूम को गौर नहीं की हूँ, मगर अब मैं गौर करूँगी कि हाँ टी शर्ट मैंने गौर किया था, टी शर्ट मोरलेस एक की 2 जोड़ी इसके पास है, वही पहन के ये काम चलाता है। अरे आंटी इसके पापा इतने पैसे वाले हैं ना, बेटे के लिए कपड़ा खरीदना भूल जाते होंगे, जितना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और जितना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर देते होंगे ना, इसीलिए इसके लिए कपड़ा खरीदने का टाइम नहीं मिलता होगा। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी पंजाबी हिट्स का, पंजाबी हिट्स ने लिखा है समर मदर शेम शेम, यस एग्जैक्टली। फिर मैं नाम लूँगी गंगा डोगरे जी का, नमस्ते गंगा जी, आप शर्म से नए जुड़े हैं, आपने लिखा है क्या आप गुनगुन को छोड़ देंगे 5 लाख मिलने पर, ये आपने क्वेश्चन किससे किया है, मुझसे किया है कि पुलिस वाले से किया है, किससे किया है, प्लीज़ मुझे मेंशन करके बताइएगा, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी बीबी कासिम जी का, नमस्ते, आपने लिखा है ये सब असली नहीं है, सब नाटक करती है, यूट्यूब पैसा खाते हैं सब। अच्छा हो सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या माजरा चलता है इनका, थैंक यू सो मच आपने मुझे मैसेज किया। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी उदय पाल सिंह जी का, नमस्ते, आपने लिखा है गुनगुन और इसका भाई सब जाने किसकी औलाद है, औलाद तो समर की ही है, और ये सब आप जाके धीरे धीरे इनके मुंह से निकल रहा है ताकि गुनगुन जेल ना जाए, मगर गुनगुन जेल में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी मीना माधो जी का, मीना माधो जी फिर लिखी है समर मम्मी रॉन्ग, मम्मी रॉन्ग, यस समर मम्मी इज़ रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र CM7CN6E14M का, अंकित तुम्हारा बहन की समझ नहीं है, समर की बेबी बोल देने गुनगुन निर्दोष नहीं, बल्कि सबूत मिला गुनगुन जैसी ही जनता के लिए और कानून के लिए भी, गुनगुन अपनी पति से प्रेग्नेंट नहीं दूसरे के पति से, और तो गिरी हुई बदमाश लड़की
है समर की, समर के घर में नहीं नहीं और जेल में होना ही सही है गुनगुन को। तो घाट घाट में पानी पी कर ध्रुव के घर राधिका की लाइफ बर्बाद करने वाली मुजरिम है। सही कहा आपने, थैंक यू सो मच। फिर मैं या मेमीज ने फिर से मुझे मैसेज किया, उन्होंने लिखा है समर उसकी माँ सीधी राधिका को, हाँ अच्छा तलाक दो, हाँ दे दिया होता, अच्छा राधिका को तलाक दे दिया होता तो ये नहीं होता। अब तो भुगतो आराम से, सही कहा है आपने, अब तो सब भुगतो। अब फिर मैं तारूबेन जी का मैसेज पढ़ूंगी। तारूबेन जी केम छो, तारूबेन आपने लिखा है बहन ये सब फेक स्टोरी है, मैंने तुमको बताया ये चैनल आप देखिए देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। हाँ तारूबेन मैंने देखा था ये 3-4 दिन पहले का वीडियो, उसमें मैंने समर को देखा, वो किसी को इंसाफ दिला रहा था मार के, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग कि ये इनका एक समर का ये रियल लाइफ स्टोरी चल रहा है कि ये एक स्क्रिप्टेड स्टोरी चल रहा है। ऐसे ये एक्शन वैक्शन कभी कभी मुझे सुनाई देता है मगर मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या मजा चल रहा है। मैं भी ये चीज़ जानने में लगी हूँ पर अभी तक मैं भी ये गुत्थी को सॉल्व नहीं कर पाई। पर तारू बहन थैंक यू सो मच, मैंने देखा आपके कहने पर, थैंक यू सो मच। फिर मैं किसका मैसेज पढ़ूँ, और मैत्री दम जी, मैत्री जी नमस्ते, आपने लिखा है इतना झंझट केस पुलिस सीधा कोर्ट में डाल दे और बोलते हैं कोर्ट में दे दिया स्लिप दे देता है, कोर्ट में दो ना कि लॉयर रहेगा, दोनों के लॉयर रहेगा और अपना बात सुनेगा, इधर तो पुलिस एक तरफा सुनते हैं। राधिका के पापा और राधिका कुछ बोलना बोलने का मौका देते नहीं हैं। मैं फॉल्ट राधिका की है, अच्छा मेन फॉल्ट राधिका की है, सब कुछ जान के बाद भी शादी करी, मैडम जो गलत किया उसको भी बोलो, आप राधिका की सपोर्ट वाला को साथ देती हो, एक हाथ में ताली नहीं बचता। हाँ ये तो मुझे पता है, गुनगुन की कोई सपोर्ट से एक बात भी करे आप उसको टाल देते हो, गुनगुन भी किसी की बेटी बहन है, बिना डिवोर्स जब समर के घर में आए थे तब हक उनकी ज़्यादा थी क्योंकि उसके पास कोर्ट की रजिस्टर सर्टिफिकेट थी, पर ये चीज़ का गुनगुन ने फ़ायदा नहीं उठाया। मैत्री जी गुनगुन मैं रोज़ एक ही बात बोलती हूँ, अगर आपने सुना होगा कि गुनगुन को वो कदम उठाना चाहिए था जब समर राधिका से शादी कर रहा था तब गुनगुन को वो अपना रजिस्ट्री सर्टिफिकेट, मेरे यहाँ करंट चला गया जा, तो इसी में प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए, करंट नहीं है, एक मिनट रुकिए थोड़ा। आई होप थोड़ी बहुत रोशनी आ रही हो आपके पास, करंट नहीं है, मैंने खिड़की का पर्दा हटा दिया है। एनीवेज मैं क्या बोल रही थी कि गुनगुन को पुलिस के पास जानी चाहिए थी तब समर को जेल होती, क्योंकि रजिस्ट्री मैरिज सात फेरा हर कोई भूल जाता है, सोशल मैरिज किसी को याद नहीं रहती है, पर रजिस्ट्री मैरिज लोग क्यों कराते हैं, मेरी खुद की रजिस्ट्री मैरिज हुई है सोशल मैरिज के साथ, तो ये रजिस्ट्री मैरिज आजकल मस्ट हो गया क्योंकि हर एक बैंक, हर एक जो रेलवे में काम करते हैं, जो भी कहीं भी बैंक में काम करते कहीं भी हो, उनके सब जगह वाइफ के साथ जो सर्टिफिकेट दिया जाता है शादी का, मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, रजिस्ट्री मैरिज सर्टिफिकेट लगता है, तो गुनगुन को तो ये चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए था। मैं तो हमेशा बोलती हूँ गुनगुन ने क्यों नहीं किया, गुनगुन को पुलिस के पास जाना चाहिए, जितना भी प्यार मोहब्बत हो एक इंसान से, आपके ऊपर जब वो चीज़ बीत रहा है, आपका हस्बैंड जो आपको दगा देख के किसी और से शादी कर रहा है, आपको जेलसी फील कर रहा है किसी और से शादी कर रहा है, आप सीधा जाओ पुलिस के पास, ये कानून पुलिस बना किस लिए है, हमारे लिए, हमको जाना चाहिए, पर वो गई नहीं, उसको अपने मम्मी पापा की बात सुननी थी, आ गया करंट थैंक गॉड, उसको अपने मम्मी पापा की बात सुननी थी, उसको ये करना था कि नहीं मुझे अब डिवोर्स चाहिए, मुझे अब घर नहीं बसाना है, मेरी मम्मी मेरे साथ रहेगी, मेरी सास मेरे साथ नहीं रहेगी, ये छोटे 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 बातों को लेके तिल का तार ये लड़की बना दी। समर उसको मौका भी इतने बार दिया कि तुम रहो मेरे साथ मैं तुमको मौका देता हूँ, मगर उसने नहीं सुना। तो यहाँ मैं सिर्फ समर का ये राधिका का मैं नहीं बोलूँगी, गुनगुन का भी वैसे ही फॉल्ट है, गुनगुन अपना घर बचाना चाहिए था एक औरत के हैसियत से, वो अपना घर क्यों नहीं बचाई, उसको तब सब कुछ बहुत खेला खेला लग रहा था, ऐसा लग रहा था हरा हरा है सुनहरा सुनहरा है, तो इसीलिए मैं क्या बोलूँ गुनगुन के लिए। गुनगुन उसके बाद फिर जब गुनगुन की फिर ध्रुव के संग जबरदस्ती शादी करे, गुनगुन की खुद की रजामंदी थी हाँ मैं शादी करूँगी, वो पहले नाना की थी, फिर वो ध्रुव से मिलती थी, अंकित से मिलती थी, वो खुद उसको पसंद आया ध्रुव, उसको कोई जबरदस्ती नहीं किया, वो फिर शादी जब की उसको समर बोला कर लो तो की शादी, तो शादी के बाद अब ये जो इन लोग के बीच में हुआ प्रेगनेंसी का, ये तो नहीं होना चाहिए था ना, अब वो किसी और की वाइफ है, वो किसी का हस्बैंड है, तो अब राधिका के संग जब उसकी शादी हो गई है
चाहे जेलसी के लिए हो या जो भी हो, पर अब तो वो किसी का हस्बैंड है और वही किसी की वाइफ है। अब तो यार अपने अपने हस्बैंड वाइफ से काम चलाओ, अब क्या ज़रूरत है एक्स एक्स मिलके थोड़ा ये सब करने का। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। इसीलिए मैं गुनगुन का सपोर्ट उतना नहीं करती, क्योंकि गुनगुन मुझे डे वन से अपने घर को संभालती हुई नज़र नहीं आई। वो हमेशा अपने पेरेंट्स के बात में चलना, कभी भी अपना ये दिमाग यूज़ नहीं की वो, उसका ये अनयूज्ड ब्रेन अगर वो यूज़ करती तो उसके साथ ये चीज़ नहीं होता। वो हमेशा अपना ये ब्रेन यूज़ की है पैतरेबाजी में, अच्छी चीज़ में कभी अपना ब्रेन यूज़ नहीं की। जो चीज़ राधिका ने किया, राधिका के दिमाग में इतना है कि मेरे साथ गलत हो रहा है कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए, पर ये चीज़ गुनगुन के दिमाग में नहीं आया। क्यों? गुनगुन के पेरेंट्स उसे दिमाग में नहीं डाले कि तुम पुलिस में जाओ, तुम ये चीज़ करो, अपना हक मांगो, अपने पति को छीनो, तुम्हारा पति कहीं और चला जा रहा है। मगर यहाँ राधिका के पापा ने राधिका को सपोर्ट किया है कि नहीं, तुम्हारा घर तुम संभालो, तुम्हारे घर को तुम बचाओ, तुम अपने पति को किसी के पास मत जाने दो, तुम्हारा पति तुमसे धोखा किया है। यही फ़र्क गुनगुन और राधिका में हो जा रहा है और गुनगुन राधिका के पेरेंट्स में हो जा रहा है। तो पेरेंट्स में फ़र्क होने के कारण दोनों लड़कियों में फ़र्क हो जा रहा है। आप समझ रहे ना मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर मैं कहीं गलत हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मेरी कोई गुनगुन से दुश्मनी है या राधिका से प्यार है, मेरे लिए राधिका गुनगुन दोनों ही समान है। पर क्या है, मैं दोनों को विजुअलाइज करके मैं बात करती हूँ, क्योंकि राधिका ने जो किया गुनगुन वो चीज़ नहीं कर पाई, उसको हक के लड़ना चाहिए था। आजकल मैत्री जी, हम औरतें हम अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे, हमारे लिए कोई नहीं लड़ता है, हमारे लिए हमको खुद लड़ना पड़ेगा। हम आजकल की लेडीज़ हैं, ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हम अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे। हमारे लिए ना कोई आवाज़ उठाएगा, ना किसी को हम एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे लिए आवाज़ उठाए, तो हमें अपने लिए आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, है ना। हम में है दम, हम हैं औरतें, हम में है दम, हमें लेडीज़, इंडिया के लेडीज़। तो एनीवेज थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी अभी तो और मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने सारे सबके कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं, अभी किसी का कमेंट्स मेरे पास नहीं है। नहीं, मैंने सबके कमेंट्स पढ़ लिए हैं। पवन कुमार जी का शायद मैंने नहीं पढ़ा, पवन कुमार जी, अच्छा हाँ, पवन कुमार जी रह गए, पवन कुमार जी का मैंने पढ़ रही हूँ। दीदी आप लोग समझ नहीं पाए, गुनगुन और उसके घर वाले सब मिले हुए हैं, वो अपने घर वाले से फ़ोन में बात करती होगी, ये पहले वाला ही ड्रामा है। राधिका को घर से निकालने का रास्ता अपनाएं, राधिका को बोले समर को जेल में डालो, ध्रुव को बोलते गुनगुन को डाइवोर्स दो, ये सब क्या है। राधिका और उसके घर वाले को बेवकूफ़ बनाया, राधिका का सीधा का फ़ायदा उठाया है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं राधिका के फैमिली है सीधे साधे, राधिका के फैमिली पैतरे वाले नहीं है जैसे गुनगुन के फैमिली है, क्योंकि गुनगुन के फैमिली वाले आए दिन, डे वन से, मैं जब से समर का देख रही हूँ, शुरू से जब गुनगुन और समर की शादी नहीं हुई थी तब समर मार खाते जा रहा है, अंकित से मार खाते जा रहा है, और यहाँ पे राधिका, ये समर के ससुर जी भी आके, मतलब गुनगुन के पापा भी उसको मारते थे, मतलब क्या इन लोगों को चलता था मुझे समझ में नहीं आता था। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी वन मून जी का, नमस्ते, आपने लिखा है समर की मम्मी को लगता है कि समर का बच्चा है, ये मान लेने से समर और गुनगुन छूट जाएंगे, लेकिन इन्हें ये क्यों नहीं समझ आता है कि समर ने राधिका को धोखा दिया है और गुनगुन ने ध्रुव से शादी की है, तो ये कल कहती है कि ये मेरी बहू है, ये अनपढ़ गवार है सब। हाँ, ये क्यों आप उसको बहू मान रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं नाम लेना चाहूँगी कंचन अरोड़ा जी का, कंचन जी नमस्ते, आपने लिखा है वेरी गुड, आप सही बोल रहे हो, ये सब मेंटल है, मॉम तो कितना जस्ट बोल रही है, हाँ कि नागिन मैं बहू बेबी समर की है, मॉम तो साफ में साफ निकली, वो दिन भूल गई जब आई से आंसू बहती थी, राधिका मान जाए हाथ जोड़ती थी, हस्बैंड का पता है नहीं कहाँ है, नीच पीपल के लोग है, आई लव यू, ओ आई लव यू टू कंचन जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी नाम चंद्रवती जी, नमस्ते चंद्रवती जी, आपने लिखा है आपने बहुत अच्छा कहा, अंकित भिखारी है, समर के कारण राधिका को किडनैप कर चुका है, पैसे लेकर छोड़ता है ये किडनैपर, इसी से घर का खर्चा चलता है। थैंक यू सो मच, आपने जो लिखा है मस्त लिखा है। फिर मैं किसका नाम, हाजरा खान जी नमस्ते, मुझे कितना खोज खोज के नाम निकालना पड़ रहा है। हाजरा जी आपने लिखा है समर की मम्मी भी झूठी है, नीच है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मैसेज किया हाजरा जी, कल मैंने आपका शायद मैसेज नहीं पढ़ा था, आपका मैसेज शायद रह गया था। और किसका मैसेज, और किसी का मैसेज नहीं है,
बस मेरे पास जितने कमेंट्स थे मैंने चेक कर लिया, जल्दी जल्दी कोई कमेंट्स नहीं है। रेहाना जी, ब्रजेश जी, आप कहाँ गए? आपकी तबीयत ठीक है ना? आप मुझे आजकल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आप कहाँ हो? रेहाना जी नमस्ते, आप भी मुझे मैसेज नहीं किया आज, और कौन रह गया मेरे साथ? तो मेरे जो जो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली जो मुझे अभी मैसेज नहीं कर रहे, अपनी दीदी को अपनी बहन को याद नहीं कर रहे, तो प्लीज़ मुझे भी थोड़ा मैसेज करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का मैसेज पढ़ना, और आप लोग जो मुझे कमेंट करते हो ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि मैं अंदर से स्पेशल फील करती हूँ। यकीन मानिए, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत स्पेशल फील करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, और मुझे जब इमोशनल अटैचमेंट जब मिलता है ना किसी से, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं नहीं बता, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आज आपका मैसेज नहीं था तो मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ी। और आप एक सर ने मुझे लिखा है, मेरे आज के, मैंने अभी कुछ देर पहले अपने घर का व्लॉग छोड़ा था, उसमें मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, तो उसमें एक जन ने मुझे लिखा है कि मैं आपके व्लॉग का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपके इसका क्या बोलते हैं कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए मैं अब कमेंट डालने वाली हूँ। बस थोड़ी देर मेरा कमेंट का वीडियो आने वाला होगा, तो ठीक है, आज अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।